हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, सल्फोलिपिड्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने कंपाउंड लिपिड्स देखा था। कंपाउंड लिपिड्स में आपको रिवाइज करा दूं एक बार, वो क्या होता है, हमारा फैटी एसिड जो होता है उसके साथ हम अल्कोहल हम मिक्स करते हैं तो वो बनता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में हम कोई एडिशनल ग्रुप यूज ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा कंपाउंड लिपिड बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड लिपिड में हमने इससे पहले देखा था फॉस्फोलिपिड देख लिए हमने, आज हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स देखेंगे आज हम। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, सल्फोलिपिड्स क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स में ये दोनों चीज़ आती हैं, इनको भी कवर करेंगे हम। तो देखिए ग्लाइकोलिपिड्स क्या है। ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स को हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्फिंगोसाइन की मॉइटी अटैच होती है, स्फिंगोसाइन इसमें अटैच होता है। दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू पार्टिकुलर द ब्रेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का और हमारे नर्वस टिश्यू का, स्पेशली हमारे ब्रेन का। तो हमारा जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स जो होता है वो बना होता है आपका सीरामाइड प्लस कार्बोहाइड्रेट से। सीरामाइड क्या होता है, सीरामाइड आपका बना होता है फैटी एसिड और स्फिंगोसाइन से। आपका जो स्फिंगोसाइन है, स्फिंगोसाइन से पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। स्फिंगोसाइन जो है उसमें अगर हम फैटी एसिड जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सीरामाइड बन जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इस सीरामाइड में अगर हम कार्बोहाइड्रेट अलग से ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा सेरिब्रोसाइट। ओके, तो देखते हैं हम सबसे पहले सेरिब्रोसाइट क्या होता है। तो सेरिब्रोसाइट जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स की। दे कंटेन सीरामाइड एंड वन मोर शुगर, एक या फिर एक से ज़्यादा शुगर इसमें हो सकती हैं सीरामाइड के साथ। फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन के वाइट मैटर में पाया जाता है गलेक्टोसेरिब्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं गलेक्टोसिल सीरामाइड, एंड ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपका गलेक्टो और ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, गलेक्टोज वाले में गलेक्टोज अटैच होगा, ग्लूकोज वाले में ग्लूकोज अटैच होगा, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो देखिए सेरिब्रोसाइट्स में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए सेरिब्रोसाइट का, तो इसमें क्या है, हमारी स्फिंगोसाइन है, स्फिंगोसाइन के साथ में आपका क्या है, एक फैटी एसिड अटैच हो रखा है। ठीक है, तो आपका एक फैटी एसिड अटैच हो रखा है, साथ ही साथ आपका क्या है, इधर एक कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रखा है। ठीक है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट की आपका आ रखा है। ठीक, तो आपका जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेरिब्रोसाइट होगा, स्फिंगोसाइन है उसमें फैटी एसिड है और एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो स्फिंगोसाइन है या आपका फैटी एसिड है या आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा सेरिब्रोसाइट्स बनाते हैं। अब हम आते हैं हमारे गैंग्लियोसाइट पे। गैंग्लियोसाइट देखिए क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन गैंग्लियन सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड ऑल्सो फाउंड इन द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। हमारे नर्वस टिश्यू के जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, साथ ही साथ हमारा ब्रेन जो होता है उसके क्या होते हैं, दो मैटर होते हैं, एक होता है वाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। ठीक है, तो जो ग्रे मैटर होता है उसमें आपका ये पाया जाता है गैंग्लियोसाइट्स। ठीक है, जबकि जो हमारा सेरिब्रोसाइट्स था वो कहाँ पाया जाता था, हमारे वाइट मैटर में पाया जाता था। तो ये भी आप याद रखिएगा, एमसीक्यू बन के आ सकता है इसका भी, कौन सा आपका ग्रे मैटर में पाया जाता है या फिर कौन सा आपका वाइट मैटर में पाया जाता है। ठीक, तो दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड या फिर ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपके सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके जो लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे गैंग्लियोसाइट्स ही होते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी खतरनाक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके का काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इनका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स गैंग्लियोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्रेन आर GM1, GM2, GD एंड GT। तो जी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी मतलब हो गया आपका गैंग्लियोसाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट गैंग्लियोसाइट्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, GM1 हो गया, GM2 हो गया और GD हो गया और GT हो गया, जिसमें जी आपका क्या है, गैंग्लियोसाइट है, और M1 मतलब मोनो, और डी से मतलब डाई, और टी से मतलब ट्राई, वो सियालिक एसिड जो है उसकी यूनिट आपके कितनी अटैच है उसके बारे में आपको बता रखा है इधर। ठीक है, तो गैंग्लियोसाइट का आपका पूरा स्ट्रक्चर आप अगर ना बना पाओ तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख रखी है मैंने, ये लिख के आ जाओगे तो भी आपको पूरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसाइन, फैटी एसिड होगा उसमें स्फिंगोसाइन अटैच है तो ये आपका बना देगा सीरामाइड। ठीक है, प्लस आपका ग्लूकोज अटैच होना चाहिए, साथ साथ उसमें ग्लैक्टोज अटैच होगा, प्लस आपका एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन उसमें अटैच होगा। ठीक है, तो सब ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा गैंग्लियोसाइट बनाते हैं। तो आप ये देखिए, जो आपका स्फिंगोसाइन है, ये आपकी स्फिंगोसाइन हो गया, ये आपका फैटी एसिड की चेन हो गई, तो ये आपका क्या मिला रहे हैं, दोनों मिलकर सीरामाइड बना रहे हैं, जो आपका ग्रे से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीरामाइड। इसके अलावा क्या अटैच है इसमें, ग्लूकोज अटैच है तो ग्लूकोज ही रहा,
गलेक्टोज आपका अटैच है, ये आपका GL करके गलेक्टोज हो गया, इसके अलावा आपका एन एसिटाइल गलेक्टोसामाइन इधर अटैच हो रखा है, ठीक है। सबके सब मिलकर क्या बनाएंगे, आपका गैंग्लियोसाइट्स बनाएंगे। अब आता है हमारा सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड क्या होता है, सल्फोलिपिड जिस लिपिड में हम क्या कर दें, सल्फर ऐड कर दें, ठीक है। आपको जो लिपिड है उसमें सल्फर ऐड हो गया तो आपका क्या बन जाएगा, सल्फोलिपिड बन जाएगा। तो सल्फर लिपिड में आपका क्या होगा, सल्फर ऐड हो रखा है इधर, ठीक है। बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम है, ये आपका ग्लिसरॉल है, इधर आपका फैटी एसिड की चेन है दो, और आपका इधर आपका आपका क्या कहते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लग रखा है, ठीक है, और आपका इधर सल्फर इसमें अटैच हो रखा है। तो ये आपका पूरा हरे कलर से दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा सल्फेटेड ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज ये रहा और ऊपर सल्फर आपका अटैच हो रखा है, ठीक। तो सल्फर इसमें प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल दिया हमने, सल्फोलिपिड्स बोल दिया इसको, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड लिपिड्स में आपका ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। अगर आपने इसके अलावा फैटी एसिड क्या होता है वो नहीं देखा, सिंपल लिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, तो आप इन वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।